तो मुझे मुझे विश्वास है कि ये नवनीत जरूर आज ये आज के डेलिब्रेशन से निश्चित रूप से निकलेगा और इस पे कोई संशय नहीं है। हम जानते हैं कि म्यूजिक थेरेपी जो है वो विश्व भर में उसके ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, एविडेंसेस जनरेट हुए हैं, लेकिन बिना एविडेंसेस के भी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राग जो है शास्त्रीय शास्त्रोक्त तो शास्त्रीय संगीत के अलग अलग राग है, उसके अलग अलग प्रभावों के बारे में हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। हम जानते हैं कि रागों के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के हीलिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं और उसको बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के अलग अलग एल्बम में इसको वर्णित भी किया गया है कि ये पर्टिकुलर राग जो है वो किस रोग के लिए या किस प्रकार के हीलिंग के लिए कार्य करेगा। हम लोग सब चिकित्सक है तो चिकित्सक लोगों के लिए ये विधा थोड़ी अननोन सी हो सकती है क्योंकि हम वृक्ष लोग होते हैं और वृक्ष लोगों के लिए संगीत जो है वो विधा थोड़ी बाहर की होती है। उसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, केदार और मिलन भाई जैसे कि जो, अर्पण भाई जैसे कि जो संगीत और दोनों चीजें साथ साथ में करते हैं, लेकिन बाकी अधिकतर वैद्य लोग जो वृक्ष होते हैं उनको पता नहीं होता कि वास्तव में म्यूजिक में कितना हीलिंग पावर है। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ कि मैं प्रैक्टिशनर डोमेन में रहा, यहाँ आने से पहले मैं जामनगर गया, उससे पहले भी बहुत वर्षों प्रैक्टिस करी मैंने, चित्रकूट से जयपुर गया, जयपुर में चक्रपाणि चिकित्सालय मैंने स्थापना की और बहुत वर्षों तक पंचकर्म का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाया। तो वहाँ एक चीज़ मैंने ऐड करी थी वो ये कि जब पंचकर्म की कोई भी चिकित्सा चल रही हो तो एक सेंट्रलाइज म्यूजिक सिस्टम में हम अलग अलग प्रकार के शास्त्रीय संगीत उसको वहाँ पर हम सुनाते रहे। और उसको मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि पेशेंट को हम बिना संगीत के भी यही चिकित्सा करते हैं और संगीत के साथ ये चिकित्सा करते हैं तो कितना ज़्यादा लाभ होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि संगीत में एक प्रकार से जो एक वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम खड़ा करते हैं। जैसे एक बहुत प्रयोग प्रचलित है कि आप किसी वाइब्रेटिंग जो प्लेट होती है उसमें आप कुछ पार्टिकल्स डाल दो और उसको अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन दो तो अलग अलग प्रकार के शेप्स अपने आप वो पार्टिकल्स लेते हैं। तो इसका मतलब कि संगीत में किसी भी चीज़ को शेप देने की भी शक्ति है और वो हमारे मन को न केवल मन को लेकिन आत्मा तक अपनी पहुंच बताता है, पहुंच रखता है। ये फ्यूजन ऑफ म्यूजिक एंड हेल्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हीलिंग में। जब हम वेलनेस की बात करें, जब हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आजकल हम मेडिकल साइंस शब्द के जो हम देखते हैं कि मेडिकल जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट का वर्ड है। मेडिकल साइंस में हम ये कहते हैं कि चिकित्सा करेंगे, मतलब रोगी आएगा उसकी चिकित्सा करेंगे और हम जो लार्ज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ को भूल जाते हैं। लार्ज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ ये है कि जो जिसमें हम रोगी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और रोगी को स्वस्थ कैसे रहे, मतलब व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे उसकी चिंता करते हैं, न केवल प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं लेकिन प्रोमोशन ऑफ हेल्थ की भी बात करते हैं। जब हम प्रोमोशन ऑफ हेल्थ हेल्थ को सोचते हैं तो म्यूजिक का इनएविटेबल रोल हम सबके सामने है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ से मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को झेलते हैं, डेली लाइफ में देर इज ट्रेमेंडस स्ट्रेस, तो देर शुड बी समथिंग विच हेल्प्स अस एलिविएट स्ट्रेस और विच हेल्प्स अवर कैपेसिटी टू इंक्रीज अवर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो ऐसी ऐसी इसके लिए छोटी छोटी विधाएं हैं और आयुर्वेद में भी इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि व्यायाम है, निद्रा है, ध्यान है, योग है और ये म्यूजिक कुछ भी नहीं है, नाद योग ही तो है। मतलब जो योग की अलग अलग प्रकार की विधाएं बताई उसमें नाद योग है म्यूजिक। तो हम लोग इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें इसको एक प्रकार से इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेट करना होगा। लार्जली मेन स्ट्रीम हेल्थ में ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ लेकिन लार्जली जो देसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जैसे आयुर्वेद है, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योग, ये सब में म्यूजिक का अच्छा इंटीग्रेशन हुआ है और आप देखेंगे कि जगह जगह इसके ऊपर काफ़ी काम भी हुए हैं और
इसके ऊपर बहुत सारे जो जो रिसर्चेज हुए हैं वो वेलनेस के ऊपर ज़्यादा हुए हैं, वेलनेस और प्रमोशन ऑफ हेल्थ और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हुए हैं। अब समय ये आ गया है कि हम इसको इंटीग्रेटिव करना हो तो हमें म्यूजिक को इस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में कौन सा राग काम करेगा, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक इस स्तर पर इसको लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये डोजेबल हो, प्रिस्क्राइबेबल, मतलब म्यूजिक जो है वो डोजेबल भी हो, मतलब कि किस मात्रा में, किस तीव्रता में, किस गति में और कौन सा। तो ये एक्चुअली मैं जो कह रहा हूँ ना, इसका उदाहरण ये देखे इसे बताना चाहूँगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ म्यूजिक का, मैं तो सिर्फ वो पर्सपेक्टिव वेद का बता रहा हूँ आपको। म्यूजिक एक्सपर्ट तो यहाँ बाकी लोग हैं, वो बताएंगे कि कौन सा म्यूजिक कहाँ क्या। बट जैसे हम लोग शिरोधारा करते हैं पंचकर्म में, तो शिरोधारा के लिए एक सिंपल तरीका तो है कि आप शिरोभ्यंग कर लो। शिरोभ्यंग करके रोगी को या जो व्यक्ति जिनको शिरोधारा करनी है उनको लेटा दो, सिर पर तेल की धारा कर दो, एंड देन दैट्स इट। और उसको लेकिन शिरोधारा करने के लिए यदि इसमें आप यदि डोजेबल एंड प्रिस्क्रिप्टेबल एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो शिरोधारा को आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप इनका शिरोभ्यंग करेंगे तो कितनी मिनट के लिए करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, कौन कौन से मर्म को साथ में चिकित्सा करेंगे, जो शरीर के अंदर जो 7 मर्म बताए उसको कैसे कैसे आप उसके उसको जैसे हम कहते हैं मर्म चिकित्सा को हम एक प्रकार से एनर्जाइजिंग और प्राण तत्व करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, उसकी कोई एसओपी है क्या। फिर जब आप रोगी को पेशेंट को लेटाएंगे शिरोधारा के लिए तो शिरोधारा का जो पात्र है उसका अंदर तेल का टेम्परेचर कितना रहेगा, एक बार में कितना तेल डालना पड़ेगा शीर पर, और जो धारा पात्र है उसके उसके बीच का जो जो डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए, तो वहां से लेकर के किस रिदम से वो शिरोधारा पात्र घूमना चाहिए और कितने मिनट तक करना चाहिए, और शिरोधारा के बाद कितने मिनट तक रोगी को वहां पर लेटा के रखना चाहिए, ये सब की एसओपी डेवलप कर सकते हैं। और ये इससे क्या होगा कि यू यू कैन ऐड एक्सेलेंस टू व्हाट यू आर डूइंग। एक सिंपल मैकेनिकल वे में शिरोधारा कर लिया और एक आपने इस लेवल पर सोच करके सब चीजों को स्टैंडर्डाइज करके किया और उसको फिर इसके आधार पर एविडेंस जनरेट किए, तो देन यू कैन डिफाइनेटली से कि शिरोधारा जो है वो हाइपरटेंशन में इस तरीके से काम करता है, एंजाइटी में ऐसे काम करता है, या शीर के रोगों में ऐसे काम करता है, शिरस्त्राव में ऐसे काम करता है। तो ये इस लेवल पर म्यूजिक को हम यदि लेके जा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि अभी योग और म्यूजिक ऐसे नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। यदि मैं ये कहूँ कि आयुर्वेद की फला ड्रग जो है वो हाइपरटेंशन में काम करेगी और इसको साथ में देना चाहिए तो मेन स्ट्रीम हेल्थ के लोग इसको जल्दी से मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इसके एविडेंस ले आओ, इसमें इसका कोई इंटरेक्शन नहीं वो लेके आओ, उसका डोजेस का सेफ्टी क्या है ये लेके आओ। लेकिन जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसमें ये बाधाएं नहीं है, इसलिए इट इज इजी टू इंटीग्रेट दीज थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स इन टू मेन स्ट्रीम हेल्थ इज इजियर देन एनीथिंग एल्स। इसलिए जिस स्तर पर योग गया है अभी आप देखेंगे योग दुनिया भर में किसी भी छोटे से छोटे कंट्री साइड में गांव में भी जाओ तो आपको कोई योग का प्रशिक्षक मिल जाएगा। और इस स्तर पर हम म्यूजिक को भी देख सकते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ म्यूजिक, पर्टिकुलरली इंडियन म्यूजिक, क्योंकि इंडियन म्यूजिक के पास जो हीलिंग एलिमेंट है वो दुनिया के किसी भी म्यूजिक में नहीं है। मैं तीसरी बात जो अंतिम बात करके मेरी बात पूरी करना चाहूँगा वो ये कि कॉमर्स इन टू दिस, मतलब आप देखेंगे कि जहाँ पर कॉमर्स है उस वही चीज़ आगे बढ़ती है। जैसे योग में कॉमर्स का एलिमेंट आया तो दुनिया भर में फैल गया, योग की इंडस्ट्री अभी अभी आपको जानकारी है कि नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि $500 बिलियन की योग की इंडस्ट्री है, सर्विस एंड प्रोडक्ट मिलकर के, तो $500 बिलियन की इंडस्ट्री है, इसमें पैसा इसलिए इतना आगे बढ़ रहा है। तो योग का अच्छा एलिमेंट भी है लेकिन साथ में कॉमर्स भी आया साथ साथ में। ऐसे इसमें म्यूजिक में भी हम यदि थेरापूटिक म्यूजिक को हम कॉमर्स के परस्पेक्टिव से भी देखें तो देर इज ए ट्रेमेंडस पोटेंशियल। आप आईट्यून स्टोर पर जाएंगे, अमेजोन के स्टोर पर जाएंगे, जहाँ जो म्यूजिक प्रोवाइडर है देर इज ए सेपरेट सेक्शन वो वेलनेस म्यूजिक। वेलनेस म्यूजिक में आपको थाउजेंड्स ऑफ एल्बम मिल जाएंगे और अधिकतर ये एल्बम है वेस्टर्न म्यूजिक के हैं, इसमें इंडियन म्यूजिक इतना ज़्यादा नहीं है। तो देर इज ए गैप, देर इज ए अपॉर्चुनिटी ऑफ फिल इन दिस गैप, और इस अपॉर्चुनिटी को एनकेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी को टेप करने का हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से देखें तो कुछ ऐसे स्टार्टअप सामने आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मैंने मुझे जितना समय दिया था उस समय में मेरी बात पूरी करने की कोशिश करी है। आप सब यहाँ पधारे, आप सबको खूब खूब धन्यवाद,
और मैं साथ साथ में आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये मेरे पास बहुत शॉर्ट नोटिस से ये सूचना आई थी, तो ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास, फिर भी मैंने पवन जी को कहा कि इस बहाने सभी मित्रों का चेहरा देखने को मिल जाएगा, एक बार नमस्कार हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ आ गया। पूरा समय रह नहीं पाऊंगा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम। थोड़ी देर रुकिए सर, थोड़ी देर रुकिए, अर्पण जी का कार्यक्रम बहुत बहुत तो अलग हो धन्यवाद, जाए, थोड़ी देर अर्पण जी के बाद आप जा सकते हैं। अर्पण जी हमारे पुराने, बहुत मतलब आप तो जानते ही हैं, आपके मित्र हैं जी। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत बहुत उद्घाटन के धन्यवाद। लिए, ओजस्वी वादों के लिए और हमें मार्ग निर्देशन के लिए। रंजन जी प्लीज। जी बहुत राजेश कुटेजा जी, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे आयुर्वेद के और योग के सांचे बनने वाले हमारे वैद्य राजेश कुटेजा जी ने आज हमारे इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया, दिशा निर्देश दिए, उसको इनोग्रेट किया है। वैसे तो सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन एक सूचना चाहूंगा उनका। 13 जून 1963, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हो गया, सब जानते हैं। ही डिड हिज रंजन जी इसको स्किप, रंजन जी स्ट्रीट जामनगर इन सूर्य को क्यों 1991। दीपक दिखा रहे हैं? सूर्य को दीपक दिखाने की धृष्टता मैंने भी नहीं की। ये सूर्य है, प्रखरमान दैदीप्यमान सूर्य है, और हम हनुमान है, तो इसीलिए दैदीप्यमान सूर्य को कहाँ दीपक दिखा रहे हैं। हे राम, मैंने भी मेरे शब्द गले के अंदर रह गए, क्योंकि जब सूर्य सामने हो तो उसको दीपक दिखाना धृष्टता है। प्रोसीड कीजिए। जी रंजन जी प्रोसीड कीजिए। जी और डॉक्टर पवन शर्मा जी के साथ बस कुछ अंतिम करता हूँ। सौभाग्य यहाँ तक जंगल में है कि जी, जब मेरे संज्ञान में है, विश्व मंत्रालय भारत भारत में बना, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैद्य राजेश जी पर जो विश्वास दिखाया है, और वो विश्वास सार्थक हो रहा है क्योंकि आयुर्वेद और योग अपना वैश्विक रूप अख्तियार कर रहा है। मैं दो पंक्तियां समर्पित करता हूं कुटेजा जी को कि धरा की कोख ने ऐसे जिन्होंने नाम, तो उनका इंट्रोडक्शन अब देने की जरूरत नहीं है। आइए इसे पहले ये आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए रंजन जी, तो आवाज हेलो, आएगी। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए रंजन जी, तो आवाज आएगी आपकी, अच्छा आपकी वीडियो बंद नेट कर दूं। कमजोर है। प्लीज पुट ऑफ योर वीडियो। अच्छा, जी प्लीज प्रोसीड। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू, डोंट इससे पॉज। पहले कि मैं अपने वक्ताओं को आमंत्रित करूं, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। इससे पहले कि मैं अपने अन्य वक्ताओं को आमंत्रित करूं आज के इस विषय पर अपने वक्तव्य रखने के लिए, मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच मिस्टर गुलराज भाटिया जी उपस्थित हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एचसीडी इमामी लिमिटेड मुंबई से, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी मेहमान आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, पटल में उपस्थित हैं, उनका स्वागत उद्बोधन करने की कृपा करें, श्री गुलराज भाटिया जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्री डॉक्टर राजेश कोटेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा, जो उन्होंने बिल्कुल छोटे समय में, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे, डॉक्टर कोटेजा जी हैज़ स्पेयर्ड टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल एंड ही हैज़ कम एंड इनॉग्रेटेड आर आयुष समृद्धि सेमिनार
and he has also shared his very, very valuable thoughts and insights on this very important subject. Thank you very much, Dr. Kotejaji. I would also like to extend a warm welcome to all of you on behalf of Imami and Zandu Healthcare, and especially Professor Sri Dr. Hari Shankar Sharma ji, and all the distinguished personalities and experts present here. Everyone here has played a very important role in improving the health and standard of living of all sections of society. And this contribution becomes even more important today in helping all of us to overcome the challenges hum log sab log jo face kar rahe hain aaj ki tareek mein, not only India mein but pure vishv bhar mein, the current pandemic, the current corona virus. All of you are playing a very important role in helping to overcome this challenge. Aur Ayurved ki jitni therapies hain unme se the role of music has always been very, very prevalent right from time immemorial, and this has helped to overcome various physiological and various psychological problems which people face. And today's Ayush Samriddhi seminar will focus on getting the experts who are present here, our panelists who are present here, to share their valuable information, knowledge, experience, insights on how the use of music therapy can help promoting health and well-being of people in India and overseas. And we look forward to getting these valuable learnings and having great learning sessions today. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. आदरणीय गुलराज भाटिया जी, भारतीय संस्कृति में परंपरा है अपने अपने जो मेहमान हैं जिनको हम आमंत्रित करते हैं उनका विधिवत स्वागत गुलराज भाटिया जी ने किया। आइए हम सीधे सीधे अपने प्रोग्राम से जुड़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ म्यूजिक थेरेपी हेल्थ एंड हार्मोनी। इस पर विविध क्षेत्रों से हमारे बीच वक्ता उपस्थित हैं, संगीत से जुड़े से जुड़े हुए वो अपने अपने रंजन जी आपकी नेट धोखा दे रही है। मैं इस कार्यक्रम की जब तक रंजन जी की नेट वापस आती है, उनके अस्त्रों में प्राण का संचार होता है, तब तक मैं अपने मित्र मेरे भाई डॉक्टर अर्पण भट्ट जी को इनवाइट करना चाहता हूं। डॉक्टर अर्पण भट्ट डॉक्टर रंजन जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर रंजन जी मैं साक्षात पशु कहते हैं पवन जी आप ले लीजिए संचालन इनके इनके नेटवर्क। रंजन जी को म्यूट कर दीजिए सर। तो कमलेश जी भी यहाँ पर है, आपको नमस्कार कमलेश जी। जी 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 जय जी। रंजन जी को म्यूट कीजिए। मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जब से स्टूडेंट्स थे हम लोग, मैं फर्स्ट ईयर में था, आपका पदार्पण सेकंड ईयर में हुआ था। अर्पण जी अपने आप में एक धमाका थे, संगीतमय धमाका। जहाँ अर्पण जी बैठे रहते थे वहाँ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बजता रहता था चारों तरफ, ऐसा मुझे याद है। मैंने जाते हुए वहां सबसे पहले एक गाना बनाया था, दुनिया बनाने वाले काहे ये जीएयू बनाई, तो उसमें संगीत मेरे संगीत परिचालना डॉक्टर अर्पण भट्ट की थी और उसकी बड़ी तारीफ हुई थी। आप काबिले तारीफ प्रोफेसर और ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने
जामनगर में संगीत डिपार्टमेंट की शुरुआत कर दी थी म्यूजिक थेरेपी की। ऐसे एक प्रखर वक्ता, प्रखर संगीत शास्त्री, रिदम और ट्यूनिंग दोनों में मास्टर, मैं अर्पण जी का सादर नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनसे आशा करता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन दें कि क्या म्यूजिक थेरेपी में हम लोग चमत्कार दिखा सकते हैं, कुछ लाइव, कुछ डेमो, कुछ, क्योंकि आप तो जहाँ रहते थे वहाँ से कुछ ना कुछ संगीत, पानी जहाँ पड़ता है झरने का वहाँ भी एक सुंदर से संगीत की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे मीठे पानी का झरना आदरणीय अर्पण भट्ट जी, स्वागत है। मुझे लगता है कि हम सब लोग एक साथ अपने वीडियोस ऑन करके बैठे हैं जो कि बाइट काफी खा रहा है, तो यदि हो सके तो क्या हम अपने आप के वीडियो थोड़े से म्यूट करेंगे, तो जिन लोगों को प्रेजेंटेशंस वगैरह करना है उनको थोड़ी और बाइट मिल पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यदि मुझे परमिशन है तो। 100% स्वागतम। शेयर कंटेंट स्क्रीन वन, शेयर देन योर प्रेजेंटेशन। इसमें शेयर का मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है स्क्रीन वन में। हाँ ओके, अब मिला। सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। यस, यदि अर्पण जी की परमिशन हो okay, तो मैं अपने भाई कोटेचा जी से आग्रह करूं कि थोड़े देर को वीडियो खोल लें, वो थोड़े देर को ही है, कोटेचा जी से आग्रह है कि वो तो वीडियो खोल लें जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करें, बाकी हम सब बंद कर लेते हैं। अर्पण जी प्लीज। ओके, सो हमने दो तीन प्रार्थनाओं से शुरुआत की, मैं दो प्रार्थना से शुरू करना चाहूंगा। एक प्रार्थना जो है जिससे ये समूचे नाद की उत्पत्ति हुई है, और दूसरा जो है जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो चैतन्य जिसकी बदौलत हमारे भीतर प्रसरता है वही। सो ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नाद ब्रह्म तदानंदम अद्वितीयम् उपास्महे, अद्वितीयम् उपास्महे, अद्वितीयम् उपास्महे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So the subject which has been interested and which happens to be the title, Ayurvedic Perspective of Music, somehow that four in between has been missing in the title also, because with that four, the whole dimension changes. So it should be Ayurvedic Perspective of Music for therapy, health and harmony. Actually, that is when we'll be able to justify this subject along with the subject of Ayurveda in totality. So I'm going to present some aspects of that, and I hope I'll be able to be fast enough to complete it within the given time. As one verse says, Nadab distu paramparam na janati saraswati apitu majjan bhayat tumbam vakshasi. If goddess Saraswati also is said to be afraid of the abyss of the nada, what I, a normal human, will be able to justify. So please forgive me if there is some lack in justification, if you feel so. You know, when we talk about music, then there are the definitions,
एंड द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक सेज एन आर्ट व्हिच एम्प्लॉयज सॉन्ग्स एज अ मीडियम ऑफ एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज नॉट इन द प्रोविंस ऑफ लिटरेचर स्कल्पचर पेंटिंग एक्टिंग और ऑफ आर्किटेक्चर दैट मीन्स इट इज ऑल टूगेदरली अ डिफरेंट aspect of expression, whereas the Webster dictionary says a succession of beautiful rich sounds is known as music. So these are the important points: succession of beautiful and rich sounds. So if there is no succession, or if the sounds are neither beautiful nor rich, then probably it is hard to call it music. This is what the dictionary says. But when we come to our aspect, that is the Indian aspect, it is said that geetam vadyam tatha nrutyam trayam sangeetam uchyate. These three are the aspects of music or sangeet: geetam, vadyam and nrutyam. And this actually is a replica of the cosmic physical activities. For further reading, The Tao of Physics would be a good book by Fritz of Capra. So when we talk about universality of nada, we all know nadena vidyate varna varnat pada padad vachah vachasa vyavaroyam nadadina mato jagat. We all are encompassed by that sound or nada, and without nada we cannot survive. That is how it is always there for us, within us, surrounding us. Now if we look at the philosophical aspect, because Ayurveda believes in the pentaelemental whole structure and the aspects of evolution, nada or shabda is a quality of akasha element, that is the ether. Other quality, special quality of akasha happens to be a pratyaktatva, that is the unobstructiveness or the non-obstructiveness, which makes it eternal once it is produced. All other elements like vayu, tejas, jala, prithvi, etc. have akasha as one of their content, and hence its quality nada or shabda also becomes all pervasive. That means this quality of akasha is all pervasive. It enters anywhere, everywhere, whatsoever, in the form of subtle vibrations, grosser vibrations. It would depend on how it goes, but it will definitely go. By the definition of production of nada, as stated by Samgit Ratnakar, it states as nakaram prana namanam dakara mandalam vidu jata pranagni sanyoga tena nado vidiyate. Now nakara is because of prana, that is the vital energy, or we can say vata or motion. Dakara happens to be the aspect of Agni or the transformational energy. So now the transformational energy and the vital energy both are in command of nada. So nada is prana plus Agni, that is equal to gati, that is motion, plus urja, that means shakti. Physics says that energy can be manifested in only three ways, that is heat or light, sound and motion. So according to that, once you are exposed to sound, out of the five elements making you, you are subjected to three elements automatically. That is the ether, that is the vayu, that is the agni. And you know, three out of five will rule over the remaining two as well. यत् किंचित् नाद रूपेण श्रूयते शक्तिरेव सा यः तत्त्वन्तो निराकारः स एव परमेश्वरः हट प्रदीपिका. द टेक्स्ट ऑफ योग आल्सो सेज सो दैट व्हाट एवर यू लिसन इन द फॉर्म ऑफ नाद. कोटेचाजी वाज रेफरिंग टू नाद योग. दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ नादानुसंधान विच हैज बीन स्टेटेड एज अ पार्ट ऑफ हठ योग. इट सेज यत् किंचित् नाद रूपेण श्रूयते शक्तिः एव सा. सो दैट इज वेयर द एनर्जी एंटर्स इनटू. Now it may enter through the ears, it may enter through the remaining parts of the body, because sparsha is received by the skin. So in both the ways that energy enters, and once the energy enters, your body resonates, and we become resonators when we are talking about the exposure to music. Now music or sangeeta is believed to be a kala or an art. It is a small part of something practical or performing arts, that is the expression of the creative talent, etc. That is how it has been defined. But Ayurveda also has this word kala, and in Ayurveda kala denotes
the maryada between the dhatu and the ashaya, that means the tissue and the place where it resides in. So a substrata of the tissues. Therefore, the art is the study and creation of the things giving pleasure to the mind through the senses. That is how art is said to be. Now, when we are doing music, we are doing some painting somewhere, which is based on the aesthetical aspects as well as the feelings of the producer or the person who is making the art. And that is how it would become a communicative process. So it is like the processes leading to the work of the art will be affecting the person who is making the piece of art, that means the artist. Then accordingly, the work of art will be produced by him or her. And then it will be delivered to the audience. So when the audience first time listen or are exposed to that work of art, they denote it as artistic experience. There is no good, no bad. It's once they see, they listen, and then gradually the aesthetical things generating inside them will make them think whether it is good or bad, whether they want to be with it, whether they do not want to be with it, whether it is being liked or it is not being liked. And then gradually the effects and the experiences will follow. There are certain theories regarding this also, because when you are exposed to a work of art, it also trains your brain, it also trains you, and accordingly that entrainment theory goes away. I'll give you one small example. You get up on one fine morning and there is one song which comes to your mind from nowhere. You have not thought to sing or to remember that song, and suddenly it comes to you, and that song which comes up early in the morning or first in the morning will continue for the whole day. Whenever you will be free, suddenly that song will come to you. Now that is the entraining which that song has probably done onto you. So this is how it can have a long rooted impact on you. When we talk of dimensions of nada in musicology, there are basically 3-4 dimensions. First is swara, that is the notes in music. This sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa, we know it is 7, and then 5 more, that means total 12 notes, and it has sub notes also, or shrutis, that is what we call them. Then there is voice. You know, when you are listening to a song, somebody likes Jagjit Singh ji, somebody likes Lata Mangeshkar ji, somebody likes Chitra ji, etc., etc. So the liking and the inclination towards the particular type of voice or sound is important. Then comes the tala or the rhythm. There are varied rhythm patterns, and that rhythm patterns are again having laya or the tempo. So particular rhythm with particular laya will be able to cast a particular impact. Along with it, when it is mixed with very particular set of notes, it is going to generate a particular conditioning. So we all will be conditioned when we are exposed to it, and then finally comes the vadya or the instrument. There are different instruments, and depending on the type of the instruments, their impacts also would be varied. I'll just give you one small example which would make it very clear. Saraswati ji, as we saw, holds one veena. If we look at Vishnu, or if Vishnu ji, or if we look at Krishna ji, Vishnu ji is having shankha, the blowing instrument, and when we talk of Lord Krishna, he is having a flute. When we talk of Lord Shankara, then we think of damru or the rhythm instrument. So different gods, different works, different instruments, that also denotes its scientific aspect, that these are the works which are related with different instrumentations. So different instruments, so swara, tala, laya, vadya are the aspects of nada in musicology which are very important. Then when we talk of notes or swaras, they have relationship with very different aspects, the frequencies, the aesthetical taste. So when we talk about that 9 rasas, Shrungara, Hasya, Karuna, Veer, Raudra, Adbhut, etc.,
then the deity or the god, then we talk about planets, the sun, the moon, the Mars, the Mercury, etc. Then they have zodiacal signs, Mesh, Vrushabh, Mithun, Karaksi. Then the constellations or the nakshatra, then particular color. These all are varied aspects. I'm afraid I'm not opening up more because this subject is so vast that maybe it can last for hours together. Then when we particularly think about the Ayurvedic aspects, then there is one physical humor, that is the Vata, Pitta, Kapha, which is related to every note. Then the psychological humor, that is the Sattva, Rajas and Tamas aspect. Lingual taste also, so Madhur, Amla, Lavana, Katu, Tikta, Kashaya, when we talk about, they have been attributed to different notes. So when you listen to those notes for a prolonged period of time, probably you will be having the impacts just as you have consumed that particular taste. And finally, the chakras or the vital centers of the body. So every note has got relevance and impact of these all aspects. And what Kotejaji was saying, that we need to plan out for the music, or we need to have SOPs. Well, our ragas are based on those SOPs somewhat. And then furthermore, if we want to fine-tune the whole aspect, then as a therapist and as a physician, we need to focus on all these aspects so as to well plan a music for a given condition. When we look into the definition of raga given by the text, it says yoyam dhvani visheshastu swara varna vibhushitah ranjako jana cittanam sa raga kathito budai. Now this ranjako jana cittanam has been put in different colors. That means that it paints our psyche. So it makes our mind to go into the aesthetical aspect where it wants to take us, and then that will again reflect if we are talking in terms of dopamine or endorphins or oxytocins, etc. Because these are the mood elevators or the feel good hormones. So rhythm sections and the string sections and the bowing sections and the blowing sections, along with the voice, when a particular gamut of all these things are generated, then you will have a given music. And that music will lead towards not only the change of mood, but also will paint you in the mood as it wants you to be in. That is the base of the time theory of the raga patterns, which we have particularly in our Indian music. The classics have also said, the last line over there says, akala ganam sarva nashakaram dhruvam. Because all these things impact the neuroendocrinal axis as well. So if you are not playing or singing the raga patterns according to the time theory for which it has been tuned to or set into, then there is one caution that it can have some unwanted impacts too. Therefore, when we think of using music, we have to be cautious about these aspects as well. Relationship of taal and lyre. Further, it says, taala hine kaya rogo dhatu hine dhanakshaya dhatu matu padam yannasti tadgatakam ripu. So if there is no proper rhythm pattern being played, and if it is not being played in the way it should be, then it can lead towards improper generations of the internal aspects, because whatever goes into our body ultimately is changed into a biochemical substance, whether it is a stimuli being carried by the nerve or anything you eat in physically. So when the taal is not being played properly, or if the music is not set into a proper taala or perfect taala, it can generate problems. Therefore, the music should be having good taala patterns also as per the need when we talk about the therapy aspect. So therapy is the use of measures for restoration of the health, drugs, rehabilitation, what it may be. And when we look at the drug or medicine, a drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological systems or pathological status for the benefit of the recipient. With regards to music therapy,
म्यूजिक बिकम्स अ ड्रग और अ मेडिसिन एंड देयरफॉर इट मस्ट बी प्लान्ड. यस आई एग्री टोटली विद डॉक्टर कोटेचा. So music therapy, as it has been described by the American Association of Music Therapists, is that the systemic application of music by the music therapist to bring about helpful changes in the emotional or physical health of the client and the ability to experience and alter physical arousal and subsequent mood by processing a progression of musical notes of varying tone, rhythm and instrumentation for a pleasing effect. Now it is only saumanasya or prasannatmendriya manatva, if we talk in terms of Ayurveda, that will lead towards the condition of health. If a person is disturbed by listening to the music, then probably that will not generate the required therapeutic effect or maybe even the promotional impact on health and wellness. Therefore, we have to be cautious about the likes and dislikes of the person also, and accordingly the planning also. Sometimes we would need to condition the patient or the person also before exposing that person towards music. In short, we can understand how music impacts a person in both ways, through the ears also and through the body also, and ultimately there can be either the positive or the negative impacts. Now when we think of methods of application of music and music therapy, there are two methods. One is the direct and indirect method, and second one is live and pre-recorded method. In direct method, a person is actively involved in the work of music production himself or herself, or related to such exercise. Particularly when we are talking of Alzheimer's today, the patients of Alzheimer's are made to sound the kettle drums, and it has been found that it brings a lot of memory back to them. Recently there was one example somewhere in Rajkot that a person had lost his memory totally, and when he was basically a singer, so when he was reminded the songs of Rafi Saab which he used to sing, gradually with the time he got his memory back. So direct impact of music in production is very good if a person can participate. If not, then there will be the indirect method which we can use. When we are using indirect method, there the person does not have to do anything but have to be an audience. So when a person becomes an audience, there are live and pre-recorded two types of aspects we can think about. In live, the program is being presented before the person, and in pre-recorded, a person is subjected to a pre-recorded music. I have seen in my experiences and experimentations that the live music works more better than the pre-recorded ones. I'm not going into the explanation right now. So when we talk about therapeutic utilization of music in the field of medicine or therapy, there are six aspects: music therapy as medicine, music therapy in medicine, music therapy and medicine, music as medicine, music in medicine, music and medicine. So when we talk of music therapy, it is about planned music, and when we talk of music, it is the music which a person might be liking. So both the ways we can use it, but then we have to keep a close watch on the patient and noting the impacts that it is not going the other way. So some works which have been done by me and through my students. My first study was of Rag Bhairava, and it had wonderful impacts on blood pressure, pulse, respiration, temperature. It had the lowering impacts. We all know that Bhairava happens to be an early morning melody of all the notes, you know, Sampurna. The same work also had Ragini Puryadhanashri. That also is a Sampurna Raga of evening time, and it had an sleep inducing effect on people. But at the same time, when it was given for audition, because we did both the practicals, the live also and the recorded one also, and Professor Harishankar Sharmaji is over here, he also happened to be one of the subjects of the first initial programs which we did for music therapy, and we noted his blood pressure also at that time. So blood pressure, pulse, respiration, temperature increased,
when Pratyaganasri was played soon after Bhairava, and ultimately in the long run it had the sleep inducing impacts. Then the second study which I did was based on Raga Vrindavani Sarang. It was to know the impact of music on the digestive system, particularly gastric and allied secretions. We did two studies, like one was on human volunteers, and where we saw that Abhyavaran Shakti, Jaran Shakti, Utsaha, Lalasrav, Mutrotsarga and Malotsarga proportionately increased in otherwise healthy volunteers. And in hematological parameters, there were impacts where blood sugar decreased and WBC count also decreased. The same music was given to Swiss albino rats also. But there we had decreasing impacts on absolute gastric juice volume and ulcer index, both decreased. So the acidic aspect of the gastric juice decreased, whereas the blood sugar slightly got elevated, whereas total WBC count decreased. And when we are talking about harmony, it is very important to note that the behavioral pattern in this Swiss albino rats had changed from restlessness to calm and quiet state before the therapy and after the therapy. Well, these are the photographs of how the music was attributed to the Swiss albino rats during my studies. Then some works which have been done under my guidance was an assessment of the effectivity of certain yogic and naturopathic processes with special reference to diabetes mellitus. There we used again the same Vrindavani Saranga. Then the effect of music in the development of special children, it is still going on, and we found some good results. Betterment is observed as the hyper children becoming calm and quiet, the interest develops towards listening and making music, an improvement in the fine activities and cognitive abilities of such students. An assessment of the effectivity of certain yogic processes and music therapy as a management of Amla Pitta, which Dr. Kedar, who is today here with us, had done. He'll be talking more about it. There also we used the Vrindavani Sarang, the same one which I had used for my work. Role of diet and lifestyle in relation to health with special reference to management of Madhumeha from yoga and naturopathy perspective. There also we used the same Vrindavani Sarang music. This was done by Gyaneshwar Gudoy. Both the works use this Vrindavani Sarang. It is an afternoon pentatonic melody. Swasth vyaktiyon par dhyanatmak asan evam rag bilaval ke prabhavam ka adhyayan. This was done along with making two groups of asana, yogic practices and music. It had a beneficial effect on the process of hunger, normalization of sleep, betterment in bowel movements, positive changes in the psychological and behavioral attitudes, decrease in negativity, increase in spiritual outlook. An assessment of the effectivity of dhyanatmak asana along with mudra and positive music on healthy volunteers. Here we did not use any raga based music, but we developed one music which was based on gongs and rhythm pattern only, and it was played along with doing mudra and dhyanatmak asana, and we came towards very positive results. स्वस्थ व्यक्तियों पर ध्यानात्मक आसन एवं सोहम मंत्र के प्रभाव का अध्ययन. दिस सोहम मंत्र वॉज composed in typical 8-beat rhythm and in 4-4, and accordingly it was played along with the asanas and the process of dhyana, which also had very positive results. We are also using this in Daivyapashraya Chikitsa, which we are doing, and particularly Rag Bhimpalasi, we had good results in pain dominated joint disorders. This is just to show, it is from the site of Fabian Mammon, the Tamedo, that how the swab of cotton seems to be energetic after being exposed to sound. The 1, 2 and 3 denotes how the energy level increases in the swab of cotton. So if this happens in cotton, what can happen to a human? And this is the PIP imaging of energy field of a human being after being exposed to music. We see that the good energies have increased. So thank you very much for giving me time and listening to me patiently. This is how, if we can use music with true Ayurvedic perspective, thinking
on all the aspects of music and planning it perfectly well, we can use music in a better way for therapy also, for regaining and promoting health, as well as harmony in human beings. Thank you so much. Excellent, excellent, great. You have covered every aspect of music therapy, Dr. Arpan. Great, real, you are a unique scientist of music in Ayurveda. Great. Now I would like to invite again Dr. Ranjan. Are you here? Dr. Ranjan Vishad. Dr. Ranjan Vishad, am I reaching to you? Please continue. Please proceed with Dr. Ranjan. Hello? Dr. Ranjan? Your net is not working. Yes. Please start. Don't pause in the program. Don't pause. Please start fast. Mute. You are mute. You are mute. We can't hear you. No, not yet. Not yet. So I would like to introduce Dr. Milan Vasavala, our next speaker. Dr. Milan Vasavala is Deputy General Manager, Health Services, Head Medical Center and Occupational Health in Saurashtra Cement Limited, Hathibran. He is BAMS, PGT, HHM, CIH, Music Visharad in Vocal. So I would like to welcome Dr. Milan Vasavala to motivate us on music therapy topic. Dr. Milan Vasavala, please. Hari Om. You are muted, doctor. You are muted. Hari Om, namaskar. Am I audible, sir? Yes, clear and loud. Go ahead. That's great. Excellent. So, first of all, I would like to just give my pranam to Dr. Hari Shankar Sharma, sir, who is the stalwart in the Ayurveda as well as all such kind of naturopathy and yoga in our field. Vaidya Dr. Rajesh Kotecha, sir, is here. Again, my very good evening and namaskar to him too. Pavan Sharma ji, of course, sab se ke saath saath, aap sabhi jo यहाँ मेरे सन्मुख है आप सबको मैं अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूँ. स्पेशली मुझसे पहले जो एक तरह का थोड़ा सा लाइटर वे में ले जाऊं तो शाहरुख खान कभी किसी स्क्रीन के सामने आकर अपना शॉट देना चाहता और अचानक दिलीप कुमार आ जाए और दिलीप कुमार को कुछ शॉट कहने को कहा जाए देने को कहा जाए ऐसी एक बहुत ही खूबसूरत साइंटिफिक शैली में मेरे गुरु भ्राता वैद्य डॉक्टर अर्पण भट्ट सर ने जो अभी इनसे पहले बहुत सारे पहलुओं को एक ही 20-25 मिनट में संजो के जिस खूबसूरती के साथ म्यूजिक थेरेपी एंड आयुर्वेद को हार्मनी तक ले जाकर हैप्पीनेस तक ले जाकर एंड हेल्थ को जोड़ते हुए जिस तरह से समझाया उससे हम सब लोगों के लिए आज की शाम सुनहरी हो गई. थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पण सर. I am something different with my profession. I am in the same boat. वो इस तरह से कि पिछले 30 साल से मैं एक वर्ड जो वैयक्तिक स्वास्थ्य वृत्त है उसको पकड़कर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हूं और धीरे धीरे करते करते
जिस तरह से आप सब लोगों को मेरे एक इंट्रोडक्शन जो डॉक्टर पवन शर्मा सर ने दी के द वर्ड केम सी आई एच इन बिटवीन और ए एफ आई एच विच इज अ सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और एफिलेटेड कोर्स इन इंडस्ट्रियल हेल्थ वेयर वी हैव अ वेरी लेस contribution from our particular Ayurved side, as we are not entitled to enter in that particular stream where the minimum qualification required is a MBBS. Inke bawajood, in some or another way, with the base of my experience, in the long experience in the same fraternity of industrial medical officer, I was allowed to do this course where occupational health was taught for the wellness of the industrial workers. I'm coming to my own exact field where I belong to. I am working in a cement industry since 30 years, 30 long years. And I'm working with the employees as well as the workmen and their family members, those who are residing in the industrial premises, where a multidisciplinary activities is going on under one premise. There are mechanical department activities, there are electrical department activities. We do have our own mines where there are, they have their own pros and cons. There are IT sectors. There is a kiln which keep on running to make a clinker and cement and keeps giving sound like om, 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 om. This is a production sound. This is something very new, but there is a music. There is a music. If you say sam sa sa ma sa 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 ma, and then if you see that there is some om inside, then om, om. Now this is mechanical hollow shape, huge long canal where some mixtures are there. They are mixed up in a hot and cold atmosphere. People are working inside for wide 8 hours and they're listening this more than 80 decibel sound, where after 5 hours of continuous work for more than 3 years or 4 years, you may get some sort of partial deafness also. How you will come out? But you have to sustain for bread and butter, where the therapy has to work, where the allopathy and some another pathies like Ayurveda. Especially, I would like to focus on Ayurveda being a bishop of this particular, being a vaid of this fraternity, we have to apply for them. But then only Ayurveda or only allopathy may prevent or precode the disease, may prevent or precode the conditions where the workers or employees are working for wide 5 hours or 6 hours or 8 hours a day for prolonged years. But then what about the wellness? What about the wellness? Wellness can be only with the good thoughts. Wellness can be only with the good way of life, be it a personal or a professional. I stick on my words. Gentlemen, be it a personal or a professional, wellness only can be with the good thinking, good activities which is going on in the surrounding, and a safe work where you are working. So this becomes a part and parcel of the management of the owners. You need to provide and maintain the safety, health and environment. May I request the gentle person who is talking on phone to mute so that it should not disturb others also? Thank you so much. So a worker, an employee working inside the kiln, working in the bag house where the sound is going on, has to connect with that om. We need to see that if you are not happy with the Bollywood songs, if you are not happy with the bhajans, if you are not happy with the ghazals, if you are not happy with the light fox or light vocal songs, or if you have no habit to listen the instrumental combinations or solo instrument for few minutes or an hours, you just listen om with your headphones when you are inside the such type of where you have to spend 8 hours a day. It will definitely cool and calm your stress. It is going to work on your endocrinal systems, on your adrenaline, on your dopamine in such a profound manner where at the end of the day, when you are going back to your home,
good smile on your face will be always there. Be it a sustainable job, a lengthy job, a long-standing job since years or decades in front of your family when you are approaching your home after 8 hours every day. फिर क्या होगा? सब तो ओम सुनते नहीं है. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ और सुनने को मन करता है. तो एट दैट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द साउंड एंड्स दैट ओम ओम वी नीड टू सी द कंपोजिशंस व्हिच आर वेल नोन. वी नीड टू प्रिस्क्राइब एंड एडवाइज एज वेरी राइटली सेड बाय डॉक्टर अर्पण सर एंड एस्पेशली बाय डॉक्टर राजेश कोटेचा सर. वी नीड टू प्रिस्क्राइब दोज famous songs that you should definitely listen when you are working at your site. If it is then it is mero to aadhar shrivallabh ke charnarvind. If it is going on in your PA system, in your music system, in your department, it will definitely give a pleasing effect in your working abilities, in your working activities, as well as inside your body, which is going to give a good productivity to the management also, which is going directly or indirectly to help the business also. In parallel, it is going to manage and maintain the way how Dr. Arpan Bhatt sir has excellently showcased the theoretical aspect of wellness, happiness, healthy and harmony, condition of a human being. Automatically, such type of things is going to help you. Now, a person, an employee, is a new joining, and we come to know that he's just having an age of 25 or 26 years, and he's going to work in an IT department. All the time he will be in the front of laptop or a computer for 8 hours. He will be thinking, he will be facing the screen all the time, including mobiles also. What you will do? Oh sir, I don't like to listen. If jaise abhi sham chal rahi hai aur meri sham ki b shift ki duty hai 12 se baje subah dopahar 12 se raat ko 8 baje tak, to main abhi is waqt ye mero to aadhar shri vallabh ke charan arvind mujhe kaha bhakt bana diya. Aise logo ko, being a physician and a music therapist, I would recommend to advise, we used to experiment on such type of patients, those who are declared as hypertensive patients in the pre-medical examination, which is mandatory when you are entering in any factory, or a periodical health checkup, which is also after due course time of your service, you need to see that how healthy you are, which is a part of our job. We used to advise Arijit Singh. Listen, Arijit Singh, in a Yaman Kalyan, Sham Ka Raag, aur Sham Ka Raag, jaise Puryadhana Shri Arpan sir ne bataya, unse aap jab baithkar kaam karoge, aapke man ko shanti milegi aur aapke chehre ko smile milega. Jaise Ram Leela ka wo gaana. अरिजीत सिंह साहब का गाया हुआ, मैं यहाँ पे वो गाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह की एक्टिविटी से आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज और आपके आज के जमाने में चलते हुए मल्टीपल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को आप खुद विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद एंड एलोपैथी और मे बी ओनली विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, झंडू की मेडिसिन हो या सांडू की मेडिसिन हो, इनके इस तरह के एडवाइजरीज के साथ अगर पैरेलल एक्टिविटीज में म्यूजिक चल रहा है उनके डिपार्टमेंट या सेक्शंस में, या हेडफोन्स में उनकी चॉइस के सॉन्ग्स जो आपने प्रिस्क्राइब किए हैं वो अगर आप उनको सुना रहे हो, तो उनकी लाइफ हेल्दी रहेगी, वो प्रोडक्टिविटी अच्छे देंगे, वो घर परिवार के साथ भी खुशहाल रहेंगे, उसकी पर्सनल हेल्थ में और उसकी सोशल इनकी जो एक तरह की जो सायुज्यता है उसमें हार्मनी रहेगी. And last but not the least, which is the very, very, very first requirement of any professional management. Pavan ji, is baat ko bahut achhi tarah samajh payenge. Why? Because he's in Imami. Ke bhai, owners require, management require productivity. So it will enhance the productivity at the end of the day. Is tarah ke logo ke zariye hum logo ne awards bhi jeete hain. Is tarah ke logo ke zariye, unki khushhali ke zariye, hum logo ne unko जब वो एंटर हुए थे तब उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की बीमारी थी, उनको अचीवर ऑफ द मंथ या अचीवर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स भी लेते हुए हमने देखा है. सो हियर जो एक मार्जिन में घुस गई है ऐसी म्यूजिक की जो एक रिक्वायरमेंट है इन एनी थेरेपी, तो मिक्सअप जैसे अर्पण सर ने अपनी एक स्लाइड में बताया था कि म्यूजिक इन म्यूजिक और म्यूजिक विद मेडिसिन, वो हर एक इंडस्ट्री को एडप्ट करना, हर एक इंडस्ट्री को अपने साथ जोड़ना
और अपने 100% आउटपुट के लिए हर एक एम्प्लॉय को अपनी डिजीज, अपनी रिक्वायरमेंट, और अगर वो हेल्दी है तो अपनी हेल्थ को सस्टेन करने के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण उसको प्रोलोंग करने के लिए, और अगर अनहेल्दी है तो आतुरस्य विकार प्रशनम जो उसके लिए। और मैं तो इस बात को आगे ले जाते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि जो इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स है, जिसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर लंग डिसऑर्डर्स, सिलिकोसिस या न्यूमोकोनियोसिस जैसे डिजीज होते हैं, उनके लिए भी उनकी इम्यूनिटी को आगे ले जाने के लिए, जिनसे वो आगे की जिंदगी खुशहाल लंबी खींच सके, इसके लिए भी अच्छे म्यूजिक को प्रिस्क्राइब करना, जैसे सर ने बताया अनूप जलोटा जी है, या जगजीत जी है, चित्रा जी है, लता जी है, रफी साहब है, या गुलाम अली साहब है, सुनाने के लिए या इंस्ट्रूमेंट भी हमको उनको एडवाइस करना चाहिए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, लेकिन लास्ट बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, इस म्यूजिक की अगर एडवर्स इफेक्ट किसी भी एम्प्लॉयर वर्कर को हुई तो, जैसे किसी को इंजेक्ट किया और ड्रग रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद के इमरजेंसी स्टेप्स होते हो एक मेडिकल प्रोफेशनल और उसकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर इसमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी बात को हमारे ही गुरुजन यहां जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत जहां से करी थी, वो श्लोक के साथ मैं आज अपना वक्तव्य को खत्म करने के लिए, एंड तक लाने के लिए मैं उस श्लोक को गाकर सुनाना चाहूंगा, जो संपूर्ण राग है, संपूर्ण राग पे बेस है। सर की स्लाइड जो थी उसका जो पहला श्लोक था उसको मैं यहां गाकर मांड राग के अंदर, मांड के अंदर जो सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, वो सारे शुद्ध स्वर है। तो किसी भी गाने की जो एडवर्स इफेक्ट अगर आपके मन में खुदा न खास्ता हो गई, हम इस तरह के श्लोक को to that employee in a workman we used to definitely we used to give that after any song when you depart from your chamber, from your department, from your section, from your office, do listen this. It is omkaram bindu sayuktam nityam dhyayanti योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नाद ब्रह्म तदानन्दं अद्वितीयं उपास्महे। हरिओम, ओम नमः शिवाय। म्यूजिक को जोड़िए, म्यूजिक को साथ रखिए, पेशेंट्स को ट्रीट कीजिए, एम्प्लॉय को एनहेंस कीजिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद कीजिए। सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा चाहता हूं सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी पवन सर एंड डॉक्टर अर्पण सर। हेलो, हाँ क्लियर आ रही आवाज आ रही सर? बहुत अच्छा। कुछ तकनीकी कारणों से मैं आपसे नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मैं बहुत ही खेद व्यक्त करता हूँ। बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया है आज का ये कार्यक्रम। डॉक्टर अर्पण ए भट्ट जी ने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, डॉक्टर मिलन यू वसावड़ा जी ने उसको उसके फलों को और ऊंचा कर दिया अपने अपने नाद से, अपने संगीत से, अपने गायन से। निश्चित रूप से गायन, वादन और नृत्य तीन कलाएं इस संगीत में समाहित होती हैं, और इन दोनों ने, दोनों विशेषज्ञों ने संगीत को स्वास्थ्य से जोड़कर अपना अपना जो अनुभव हम सबके समक्ष बांटा है, जैसे डॉक्टर भट्ट जी ने पंच महाभूतों को कोरिलेट किया, ज्योतिष को कोरिलेट किया, आयुर्वेद को म्यूजिक के साथ कोरिलेट किया, और उसके माध्यम से हम कैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारी आयुर्वेद की परिभाषा में, हेल्थ की परिभाषा में और आधुनिक हेल्थ की परिभाषा में सिर्फ यही अंतर है
कि हमारा जो आयुर्वेद कहता है कि सम दोषा हसम अग्निश्च हसम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये जो आत्मा इंद्रिय मन है यही एक बेसिक अंतर है जो हमको एलोपैथ से अलग करता है और थोड़ा सा ऊंचाई प्रदान करता है। तो संगीत से हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा इंद्रिय मन यही सब तृप्त होते हैं, यही संतुष्ट होते हैं, और यही जब संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से हम जो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण की परिकल्पना है उसको हम साकार कर पाएंगे। मुझे ये चार पंक्तियां याद आ रही हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, कि शब्द स्पर्श से महकाएंगे, इनके जो विषय हैं, इनके जो तत्व हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको मैंने चार पंक्तियों में पुरोहित किया कि शब्द स्पर्श से महकाएंगे, रूप रस गंध झिल मिलाएंगे, हम उपासक हैं महाभूतों के, हम उपासक हैं महाभूतों के, हमने गुण भी उन्हीं के आएंगे। तो ये गुण परिलक्षित हो रहे हैं, भारत से पूरे विश्व तक पहुंच रहे हैं। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच डॉक्टर केदार उपाध्याय जी उपस्थित हैं जो को फाउंडर हैं यूफिनस हीलिंग म्यूजिक थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से हमारे बीच पधारते हैं। सभी लोग समय का अच्छा पालन कर रहे हैं। आगे भी मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम समय पर समाप्त हो इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हुए अपना सारगर्भित उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। डॉक्टर केदार उपाध्याय जी, डॉक्टर केदार जी के बारे में क्षमा चाहता हूँ, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि केदार जी गुजराती फिल्म के जाने माने म्यूजिक कंपोजर भी हैं, उनके काफी नंबर्स हैं, उनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और कुछ अभी अवार्ड्स पाइपलाइन में भी है। ऐसे मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये मेरा शिष्य है, ऐसे केदार जी को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। गुरु जब शिष्य की तारीफ कर दे तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। ये मेरा इंट्रोडक्टरी स्पीच था कि ये एक ऐसा मंच है। एक्चुअली मैंने अर्पण सर से सीखा है, जो भी कुछ सीखा है वो म्यूजिक थेरेपी में मेरा जो डिसर्टेशन सब्जेक्ट था उसमें भी अर्पण सर वाज माय गाइड और ही इज माय मेंटर, लाइक ही इज अ फादर फिगर फॉर मी। तो आज उन्हीं के साथ में इस डायस को इस इतने अच्छे से स्टेज को शेयर करने का मुझे चांस मिल रहा है। So I'm really privileged. साथ में मिलन भाई है, मिलन सर is like also you know a father figure, a big brother, a guide, mentor. So yes, thank you so much. सभी का एक बार फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे मुझे आपने मौका दिया है, शर्मा सर खास करके।